फ्रेंड्स, अगर आपके YouTube का वीडियो को आप Facebook में शेयर करने चाहते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम शायद आप सामना करते हैं कि आपका पोस्ट पे आपका वीडियो का जो थंबनेल होते हैं वो थंबनेल छोटा हो जाते हैं। इवन फ्रेंड्स, आप हो सकते हैं कि आप कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का आप हेल्प लेते हैं कि आपका थंबनेल को बड़ा करने के लिए, मतलब बिग थंबनेल जनरेट करने के लिए। तो बिग थंबनेल जनरेट अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगा, और वहाँ पे अगर आपका वीडियो का URL आप डालते हैं तो वहाँ पे आपका वीडियो का जो थंबनेल होते हैं वो थंबनेल को बड़ा साइज करके देते हैं। इवन फ्रेंड्स, आपने देखे होंगे शायद के वो जो थंबनेल है जहाँ पे आपका पोस्ट के इमेज आते हैं, आपका वीडियो के इमेज आते हैं थंबनेल का, और उसका नीचे वही जो वेबसाइट है वही वेबसाइट का वहाँ पे लिंक वहाँ पे शो करते हैं, ना कि आपका यूट्यूब का लिंक या आपका वीडियो का लिंक। लेकिन फ्रेंड्स, ये एकदम टोटली इलीगल है। मैं भी पहले थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स मैं मुझे बाद में पता चला कि वो इलीगल है, और मेरा पुराना वाला जितना सारा पोस्ट है उसका जो इमेज है वो इमेज चला गया है। आपका भी शायद ये प्रॉब्लम आया है कि आपका पुराना वाला जितना सारा फेसबुक में आपने या फेसबुक पेज में आपने जितना सारा पोस्ट डाले थे वहाँ पे आपका जो थंबनेल है थंबनेल का इमेज चला गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आप लीगली आप कैसे आपका HD क्वालिटी का बड़ा थंबनेल आप आपका फेसबुक पेज पे आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का जरूरत नहीं होगा। तो इस वीडियो पे मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी बात करता हूं यहां पे आप कैसे आपका HD थंबनेल आप जनरेट कर सकते हैं और लीगली आप कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो YouTube स्टूडियो बीटा है वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे वीडियो सेक्शन पे आपको जाना पड़ेगा, और जिस वीडियो को आप फेसबुक में शेयर करना चाहते हैं वही वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों ऑप्शन आपको यहां पे ऊपर में आपको आ जाएगा, एक है आपका बेसिक और दूसरा है आपका एडवांस। तो यहां पे आपको एडवांस टैब के ऊपर क्लिक करना होगा। तो एडवांस टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद आप नीचे जब भी स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे आपको एक सेक्शन आपको मिल जाएगा जो है अलाउ एम्बेडिंग। तो ये बाय डिफॉल्ट यहां पे इनेबल रहते हैं, चेक रहते हैं, तो इसको आपको अनचेक कर देना है और उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो ऐसा अगर करते हैं, इवन फ्रेंड्स अगर आप डिफॉल्ट जो अपलोड सेक्शन होते हैं, जो सेटिंग्स होते हैं, वहाँ पे भी जाके अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो आप सेटिंग्स होते हैं वहाँ पे अगर अनचेक कर देते हैं तो आपको हर एक वीडियो पे जाके उसको अनचेक करने का जरूरत नहीं होगा। आप इसको आप जब भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या अगर आपका कोई भी वीडियो अपलोड हो चुका है तो उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका वीडियो को आपको शेयर करना होगा फेसबुक पे। डायरेक्टली आप यूट्यूब से जो फेसबुक में शेयर करते हैं वैसी तरह ही आप यहां पे फेसबुक आइकॉन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको इसको शेयर करना है। और आप देख सकते हैं यहां पे कि आपका जो वीडियो है, वीडियो का जो थंबनेल है वो बड़ा साइज का यहां पे आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो है यहां पे youtube.com यहां पे आपका URL दिखा रहा है, ना कि कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यहां पे URL। तो फ्रेंड्स, इसको आप आपका फेसबुक का जो स्टोरी है, क्या आपका थंबनेल है, क्या आपका हो सकते हैं फेसबुक पेज है, ऑफिशियल पेज है यूट्यूब का, तो वहां पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर। तो ये फीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है, और एक हिडन ट्रिक्स भी आप कह सकते हैं इसको, हिडन फीचर भी कह सकते हैं इसको, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसके लिए मैं छोटा सा वीडियो किया। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपका मन में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे लिखना मत भूलिएगा। मैं हर बार कोशिश करता हूं आपका कमेंट्स का जवाब देने का। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।